वेलकम टू विनिंग स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो जैसा कि हमने कल 1.1 कर ली थी, ठीक है, तो इसमें आज हमें सबसे पहले एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमने इसमें क्या करना है, मैंने आप लोगों को सारे नंबर के टाइप्स बताए थे, ठीक है, जिसमें हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था, फिर हमने इंटीजर पढ़ा था, फिर हमने रैशनल नंबर पढ़े थे, फिर इरेशनल पढ़े थे, और फिर रियल पढ़े थे, और कॉम्प्लेक्स भी पढ़े थे। ठीक है, तो मैंने आपको सारे नंबर पिछली क्लास में बता दिए, तो उसी के बेसिस पे आज हमें ये वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहले बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो मैं एक बार दोबारा से आपको याद दिला दूं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और रियल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि अब हमारा नेचुरल और उनसे ज्यादा पाला नहीं पड़ने वाला। इस एक्सरसाइज में हमारा इरेशनल से ज्यादा बात करेंगे हम उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि क्या थे ये रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या थे, मैंने बताया था कि रैशनल नंबर वो नंबर है जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर, वेयर मैंने बताया था वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि जहां पे q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है, q जीरो के बराबर नहीं होता का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, न्यूमिरेटर भले जीरो हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता, और ऐसे सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर से पहले हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर हमने पढ़ा था इंटीजर्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ना वो रैशनल नंबर के अंदर ही आती है। मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर जो है हम उनको भी रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, क्योंकि जिनके नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे हम वन लगा सकते हैं। ठीक है, और वन लगाते ही वो रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर कौन होते भाई, मैंने बताया था जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं, रूट वाले नंबर्स, ठीक है, पाई और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो भी कौन होते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स हमारे कौन होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो ये हमने बात करी थी रूट वाले नंबर्स, जो भी नंबर्स रूट के अंदर होते हैं, ठीक है, जो भी नंबर्स रूट के अंदर होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। रूट के अंदर का मतलब ये, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रूट के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो रूट से बाहर आ सकते हैं, यानी कि जो कौन होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। जैसे अगर हमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख दो रूट 16, तो रूट 16 तो भाई किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने चाहिए, रूट के अंदर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने चाहिए। रूट के अंदर ऐसे नंबर होने चाहिए जिसका जो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जिनका कोई पेयर नहीं बनता, ठीक है, तो उन्हीं को हम कहेंगे कि इरेशनल है। बाकी जो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं वो रैशनल हो जाते हैं। ठीक है, बाकी पाई की वैल्यू मैंने बताई थी 22/7, और इसको पॉइंट में जब हम करते हो 3.14, और वो आगे चलती रहती है, वो खत्म नहीं होती, तो वो भी एक एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू होती है ना वो भी एक तरह की नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर होती है। ठीक है, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं ये हम 1.3 में सीखेंगे। जब हम 1.3 करेंगे तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, फिलहाल आपको ये बातें याद रखनी है। फिर मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स, ये रियल नंबर के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सब कुछ क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं। तो हमने पीछे का बैकअप कर लिया एक तरह से, कि जो हमने पहले पढ़ा है उसको एक बार हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, इन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर।
तो सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। मैंने हम पिछली बार आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि छोटी चीज बड़ी चीज में आ सकती है, पर बड़ी चीज छोटी चीज में नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे समझने के तरीका समझाया था मैंने आपको कि आप ऐसे इस चीज को समझ सकते हैं कि इरेशनल नंबर, बात कर रहे हैं हम इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर छोटा है उसका दायरा और रियल नंबर का बड़ा है, कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो वो बात सही है कि मैंने अभी आपको बताया कि रियल नंबर जो होते हैं उसमें दोनों चीजें आती हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, इसमें रैशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो ये बात कैसी है ट्रू कि सारे के सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर दोनों ही चीजें आ जाती हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। फिर अगला है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं। कह रहे कि जितने भी पॉइंट होते हैं ना नंबर लाइन पे, मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं यहां पे, मान लो मैंने एक नंबर लाइन बनाई। ठीक है, तो कह रहा है ना इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे वो जरूरी नहीं है होल नंबर ही हो, जैसे हम ये लिख रहे हैं ये होल नंबर्स हैं और इधर या इंटीजर्स हैं माइनस के, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले, जरूरी नहीं है इनकी बात हो रही है, बीच में भी कहीं भी, कहीं भी, ये कहीं भी की बात हो रही है। ठीक है, कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं तो ये सारे पॉइंट्स कह रहा है रूट एम की फॉर्म में होता है। ठीक है, रूट एम की फॉर्म में होता है वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या ये बात सही है कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो हमेशा रूट एम की फॉर्म में होंगे नेचुरल नंबर, जहां पे एम एक क्या होगा नेचुरल नंबर। तो भाई ये बात जो है देखेंगे, ये बात यहां के लिए ट्रू है, जीरो से लेके जो आप पॉजिटिव साइड जब जाते हैं, पॉजिटिव साइड वहां पे ये बात हमें ट्रू दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जहां यहां पे जो भी आप वैल्यू लोगे, जो भी वैल्यू लोगे वो रूट के अंदर किसी भी कोई भी वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, यहां पे कोई भी पॉइंट जो है वो वही है जो रूट के अंदर किसी एम की वैल्यू है, पर आप किसी भी रूट एम को सॉल्व करते, कोई एम कोई भी नंबर है। ठीक है, आप जब भी सॉल्व करोगे इनको ना, जैसे हमें पता है रूट टू, अगर मैं रूट टू की वैल्यू सॉल्व करूं, रूट वन तो वन ही होता है, रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414 और आगे ये डॉट डॉट चलता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होते। रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.732, ये ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे कहीं पे आते रहेंगे ये पॉइंट्स। ठीक है, बीच बीच में आपको ये पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे। यहाँ पे ये सारे नेचुरल नंबर है, आप इन सब की वैल्यू निकालेंगे तो ये सारी वैल्यूज जो है वो इस नंबर लाइन पे लाई करती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, पर जब हम इसी चीज को, जब इस स्टेटमेंट को हम नेगेटिव वाली साइड में देखते हैं तो वहां पे जाके ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाले में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको रूट एम के फॉर्म में लिखा जा सके। मैं रूट के अंदर कुछ भी लिख रहा हूं, रूट में मैं कोई सा भी नंबर लिखूंगा तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। जैसे यहां पर हम रूट के अंदर कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, ना कि नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, इनके लिए इनको हम रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ये बात फॉल्स हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए काम करते हैं, नेगेटिव नंबर्स में ये चीज आके फेल हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा फॉल्स, ये हमारा फॉल्स हो गया। अब तीसरा बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये तीसरी बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अभी देखा था ये उसका उल्टा ही लिखा हुआ है। यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, ये ट्रू था तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि भाई ये मैंने बताया था इरेशनल नंबर का दायरा छोटा है, ये बड़ा है तो छोटा बड़े में आ सकता है, तो यहां पर ट्रू हो गया। पर यहां पर ये बड़ा है, यहां पर रियल नंबर जो है वो बड़ा है पर इरेशनल नंबर जो है वो छोटा है, तो ये इसमें नहीं आ सकता, ये इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि रियल नंबर के अंदर दोनों चीजें होती हैं, रैशनल और इरेशनल। कह रहा है कि सारे रियल नंबर सिर्फ इरेशनल होते हैं, रैशनल नहीं होते, तो ऐसा तो नहीं है। रैशनल नंबर के अंदर दोनों चीजें आती हैं, रैशनल और इरेशनल, इसलिए ये बात भी हमारी क्या हो जाती है फॉल्स। तो ये भी हमारा क्या हो गया फॉल्स। तो तीसरी चीज भी हमारी क्या हो गई, तीसरे स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई। ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है,
इसके बाद अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कह रहा है क्या जितने भी नंबर होते हैं उनके स्क्वायर रूट्स हमेशा इरेशनल होते हैं। जैसे हम यहां पे ये लिख रहे हैं, रूट टू की वैल्यू लिखी मैंने 1.414, रूट थ्री की वैल्यू लिखी 1.732, ठीक है। ऐसे रूट फाइव की वैल्यू, रूट सेवन की वैल्यू हमेशा आप जब भी देखेंगे तो ये ऐसे ही इरेशनल नंबर के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। पर कह रहा है कि क्या हमेशा सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो हमेशा इरेशनल होते हैं? तो हमेशा नहीं होते, हमेशा इरेशनल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिनका स्क्वायर रूट करने पे वो सॉल्व हो जाते हैं और एक इरेशनल नंबर हमें देते हैं। जैसे आप किसी भी होल नंबर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रूट में करेंगे तो उससे आपको उसका स्क्वायर रूट निकल के मिल जाएगा। जैसे हमने रूट वन किया था, रूट वन का क्या मिल जाता है आंसर हमें? वन। अगर मैं इसके बाद रूट फोर करता, रूट फोर की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती? टू। मैं रूट नाइन करता, रूट नाइन की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती? थ्री। तो ये ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर रूट में रखने के बाद हमें इरेशनल नंबर नहीं मिलते, रैशनल नंबर मिलते हैं। वन टू थ्री, ये हमें क्या मिल रहे हैं? रैशनल नंबर्स। इसीलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं पूछा, इसमें कह रहा है कि आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो। कि सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स इरेशनल हमेशा नहीं होते, ठीक है। ज्यादातर होते हैं पर हमेशा नहीं होते। तो फिर कह रहा है कि अगर नहीं, ऐसा नहीं है तो एग्जाम्पल देना है कि स्क्वायर रूट का जो नंबर का दैट इज अ रैशनल नंबर, कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट करने पर रैशनल नंबर आए, ऐसा हमें एग्जांपल देना है। तो आप एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे कि आप रूट वन लिखते हैं तो वन आता है, रूट टू लिखते हैं तो रूट फोर लिखते हैं तो टू आता है, रूट नाइन लिखते हैं तो थ्री आता है, रूट सिक्सटीन लिखते हैं तो फोर आता है। ऐसे ही जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट करने पर एक रैशनल नंबर आता है, ना कि इरेशनल नंबर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये हमारा ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर टू, जो कि वो भी एक स्टेटमेंट टाइप ही है। इसमें आप इसमें स्टेटमेंट्स भी में भी लिख सकते हैं कि नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। आप इसको पूरा स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, और उसके बाद आप एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसी एक्सरसाइज में, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पेपर में, जो फर्स्ट टर्म के पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, तो उसको आप ध्यान से समझ ले, ठीक है ना। तो अब मैं वो कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अब हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये हमें अब हमें करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आता है, तो इसको आप ध्यान समझना, ठीक है। बेसिकली आपके पेपर में जो आता है वो 3 ही वैल्यूज आती हैं, रूट टू, रूट थ्री और रूट फाइव, ये 3 आते हैं। पर हम सीखेंगे क्या क्या, हम सीखेंगे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट एट, रूट टेन, रूट थर्टीन, रूट सेवनटीन, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें सीखेंगे जो आपके पेपर से काफ़ी आगे है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में यहीं तक आता है, ज़्यादा ज़्यादा ये पूछ सकता है, पर हम उससे भी आगे पढ़ेंगे और चीज़ों को समझ लेंगे कि चाहे और ज़रूरी नहीं है ये, इसके अलावा कुछ भी आ जाए ना, तो हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। हमें सीखना है कि ये करते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पर यही लिख देता हूँ, सबसे पहले हम रूट टू सीखेंगे तो यहीं पे लिख देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑन रूट टू ऑन नंबर लाइन। हिंदी वाले, हिंदी मीडियम के अगर हम बात करें तो हम हिंदी में भी लिख लेते हैं एक बार कि रूट दो का
संख्या रेखा पर निरूपण। यह हमें सीखना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, यह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट रूट टू को, तो एक बार ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ पे सबसे उस इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं जो कि हमारी नंबर लाइन है, ठीक है, क्योंकि हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। ये लाइन आप स्केल से और पेंसिल की मदद से खींचेंगे, तो पहला जो आपने जीरो लगाया है, तो इसके बाद जितने भी आप यूनिट्स लेने वाले हैं, हर यूनिट के बीच में कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर का आपको गैप रखना है, क्योंकि इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए, ताकि आप कॉपी में साफ साफ बना पाएँ, हर 2 यूनिट्स के बीच में गैप होना चाहिए काफ़ी अच्छा, ठीक है, ताकि वो आपका डायग्राम थोड़ा क्लियर बने, वरना 1-1 सेंटीमीटर लेने पे काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, और आपके फिर वो एग्ज़ाम में मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए आप कम से कम 3-3 सेंटीमीटर का गैप लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, पीछे भी हम ले लेते हैं -1 यूनिट, ठीक है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हमें रूट टू रिप्रेजेंट करना है उस, तो उसके लिए हमें ज़्यादा बड़ी नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप यूनिट जो है 10 तक ले जाएं, आपको 2 तक भी ले जाएं तब भी चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमने -1, 0, 1, 2, 3 इतना लिख लिया, ठीक है। रूट टू बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 पे ये जो 1 यूनिट है इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आप लोगों को कंपस के हेल्प से आता होगा 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे बोर्ड पे तो कंपस में चला नहीं सकता, मैं आपको हाथों से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ मैं कैसे करेंगे, बाकी आप सेम टू सेम तरीके से अपनी कॉपी में करेंगे तो आप कंपस का इस्तेमाल करके और पेंसिल का इस्तेमाल करके करेंगे, ठीक है। तो रूट ये 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं कि आप पेंसिल में कंपस को लगाते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं, ठीक है, और 1 के सेंटर पर रख के आपको एक आर्क लगा देना है, ठीक है, ये जो आर्क लगेगा, अब इतना ही कंपस को खुला रखना है और इस पॉइंट पे रखने के रख के पहला आर्क लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर इस वाले आर्क पे फिर से आपको कंपस रखना है, दूसरा आर्क लगाएंगे तो ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा, और इस 60 डिग्री से ऊपर की तरफ एक, और इस 120 डिग्री से भी ऊपर की तरफ एक जो लगाएंगे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है आप अब इसको मिला देना है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये 1 यूनिट आपने 90 डिग्री खींच लिया, 1 पे 90 डिग्री का एंगल खींच लिया। अब आपको क्या करना है कि जितना ये 1 यूनिट है ना, इसको भी 1 यूनिट ही लेना है हमें, तो आप चाहे तो यहीं से नाप लें 1 यूनिट, चाहे तो स्केल में आपने जितना का डिफरेंस लिया है आप स्केल से भी उतना डिफरेंस आप ले सकते हैं, मतलब ये 3 सेंटीमीटर है तो स्केल पर भी 3 सेंटीमीटर का लेके आप कंपस 3 सेंटीमीटर खोल सकते हैं, या तो यहाँ पे रख के इतना यहाँ तक कंपस खोल सकते हैं, एक ही बात है। फिर आपको यहाँ पे रखना है 1 के नीचे और 1 सेंटीमीटर वही सॉरी 1 यूनिट का आर्क यहाँ पे लगा देना है, जितना ये था उतना ये, इसको इससे आप मिलाएंगे, ठीक है, ये मिला दिया। तो अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे अपना कंपास रखना है, यहाँ तक खोलना है और इसको नीचे की तरफ गिरा देना है, मतलब ऐसे खोलना है यहाँ तक, और ये रेडियस बन गया एक तरह से, रेडियस और सर्कल बनाने के लिए आपको एक ऐसे गिरा देना है। तो जब आप इसको ऐसे नीचे की तरफ गिराएंगे तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी रूट टू, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा दूँ आप लोगों को शुरू से, कि आपने एक नंबर लाइन खींचनी है, ठीक है, उस पर आपको 3-3 सेंटीमीटर 4-4 सेंटीमीटर जितने का मन करे उतने सेंटीमीटर का आपको गैप ले लेना है, -1 यूनिट 0, 1, 2, 3 ये यूनिट मैंने लिख दिया इनको, ठीक है। ये 1 यूनिट है, इस पर 1 पे आप 90 डिग्री बनाएंगे और 90 डिग्री पे 1 यूनिट काट लेंगे और 0 से उसको मिलाएंगे और उतना ही कंपास खोल के 0 से कंपास खोलना है वहाँ तक और B तक, यानी उसको और उसको नीचे गिरा देना है। जब नीचे गिराएंगे तो C पे जहाँ पे इस नंबर लाइन पे जहाँ पे गिर जाएगा ये वैल्यू जो होगी वो रूट टू होगी, ठीक है। अभी हमने बना तो लिया,
अब इसको प्रूफ भी करना होता है कि ये क्यों, हम क्यों माने कि यही रूट टू है, ठीक है। तो ये रूट टू कैसे बना, इस चीज़ का प्रूफ हमें करना पड़ता है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, इसका मैंने नाम रख दिया है, इसी को हम जीरो से बोल ही रहे हैं, हम इसको ओ भी मान लेते हैं कि इसका नाम ओ है, इसका नाम ए है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है। तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले इन ट्रैंगल ओ ए बी, इन ट्रैंगल ओ ए बी। ट्रैंगल ओ ए बी में क्या हो रहा है, ट्रैंगल ओ ए बी में जो ओ ए है, ओ ए जो नीचे वाली यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ओ ए कितना है 1 यूनिट। फिर ये जो मैंने इसको खींचा था, कितना खींचा था, मैंने आपको बोला था ना इसको भी हम 1 यूनिट खींच रहे हैं, तो ए बी हमारा ए बी भी कितना है 1 यूनिट, और हमारा ओ बी ओ से लेके बी तक ये तो हमने नापा ही नहीं कितना है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता, ये ओ बी हमें नहीं पता कि कितना है। तो भाई हमें ये दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल था, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल है। और आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, पर अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कि कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये होता है बेस, ये होता है हाइट, और ये होता है सॉरी ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको आप हाइट भी बोल सकते हैं, पर परपेंडिकुलर बोलेंगे, यहाँ पे एक ही बात है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना, ये हमेशा बेस का स्क्वायर प्लस पर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो हमेशा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब ये भी क्यों होता है, तो ये बात आप वैसे 8th क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है, वरना मैं आपको बता भी सकता हूँ कि ये कैसे होता है। अगर आप ऐसे एक स्क्वायर ले लें, ठीक है, और बराबर बराबर दूरी पे इसको काट लें, ये जरूरी नहीं है बीच में, ये बीच में नहीं है, ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है, मतलब एक तरफ से बड़ा है, एक तरफ से थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो ऐसे आपने इसको काट लिया और बीच में बना दिया एक और स्क्वायर, ठीक है, बीच में एक और स्क्वायर बना दिया, तो होगा क्या, तो जैसे ये अब हमने क्या कर दिया, इसको एक इस पूरे स्क्वायर को एक स्क्वायर और चार ट्रायंगल में बांट दिया। ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री है, तो यानी कि ये जो चार ट्रायंगल बन रहे हैं, ये चारों ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी, ये भी, ये भी, और बीच में बन रहा है एक स्क्वायर, ठीक है। ये जो बीच में लाइनें हैं ना, इनको हम सी, इनकी लेंथ जो है सी मान लेते हैं, और ये सारे बराबर होंगे, ठीक है। तो ये सी 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 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि भाई इस पूरे स्क्वायर का, पूरे बड़े वाले स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया आपको पता है साइड इंटू साइड होता है, इसकी साइड कितनी आ गई, अगर ये ए है और ये बी है तो इसकी साइड आ गई ए प्लस बी, और ये वाली साइड भी ए प्लस बी, ये वाली साइड भी ए प्लस बी, ये वाली साइड भी ए प्लस बी। और आपको पता है तो कि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड करेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, और इस पूरे स्क्वायर का जो एरिया है वो किसके बराबर है, वो इस छोटे स्क्वायर के बराबर है और इन चारों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर है। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एक ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2, इसका बेस बी है, हाइट है ए यहां तक। और ऐसे कितने ट्रायंगल है, ऐसे चार ट्रायंगल है, 1, 2, 3, 4, सब में सेम है बी ए बी ए बी ए बी ए, और बीच में जो सर्कल स्क्वायर बन रहा है उसमें सबकी साइड सी है, तो उसका एरिया कितना होगा, सी स्क्वायर। तो इन चारों ट्रायंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया जोड़ेंगे तो पूरे बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के बराबर आ जाएगा। पूरे बड़े वाले
ए का एरिया क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर हम खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये बनेगा, ठीक है। और इसको हम खोलेंगे तो दो से ये चार कट जाएगा दो बार में, ये बनेगा टू ए बी और ये सी स्क्वायर। तो टू ए बी से टू ए बी कट गया, क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी यानी ये ए स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर कर देंगे और ये बी स्क्वायर कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सी स्क्वायर के। तो यहाँ पे इस एक तरह से ये प्रूफ हो गया कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये ऐसे बना है, ठीक है। वैसे हमें इसको प्रूव करने की कोई खास जरूरत थी नहीं, वो तो मैंने करा दिया। चलो ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है हमेशा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे उठ के, ठीक है, कि यहाँ पे इसका क्या काम है। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो जिसमें हमें बेस पता है 1 यूनिट है, हाइट पता है 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर हमें इसका हाइपोटेनियस नहीं पता। हाइपोटेनियस को पता लगाने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको प्रूव करेंगे कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो है OB, तो OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब OB की वैल्यू हमें नहीं पता, तो OB का स्क्वायर इजिकल टू जो बेस था हमारा OA वो 1 यूनिट था, तो 1 का स्क्वायर प्लस हाइट जो था हमारा AB वो भी 1 था, तो 1 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 OB का स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो OB कितना आ गया, स्क्वायर को उधर भेजोगे तो रूट बन जाएगा, तो OB आ गया आपका √2। OB कितना आ गया, √2। अब आपने क्या किया था कि यह जो आपका OC था और OB था ये दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि आपने सेंटर, इसको सेंटर मान के इतना रेडियस लेके आपने एक सेक्टर खींचा है। सेक्टर क्या होता है, सर्कल का हिस्सा। जैसे आप अगर ये जैसे ये रहा, ठीक है, ये सेंटर है और ये एक सर्कल है, तो मान लो सर्कल का एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, ये वाला जो हिस्सा है बीच का, इसको सेक्टर बोला जाता है, हिंदी में वृत्तखंड बोला जाता है। तो आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा एक रेडियस और ये रहा एक रेडियस, मतलब आपने इसी रेडियस को लेके ऐसे सर्कल बना रहे थे, तो जो यहाँ पे काटता है, तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, एक सर्कल के सारे रेडियस हमेशा बराबर होती है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर भी OB और OC बराबर है, ठीक है। तो आपको लिखना है, ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। कि भाई नाउ OC बराबर है OB √2, क्योंकि ये है रेडियाई ऑफ सेम सेक्टर, सेक्टर बोल लो या सर्कल बोल लो एक ही बात है, तो सर्कल का हिस्सा यही सेक्टर होता है। तो देयरफॉर पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स √2 ऑन नंबर लाइन। इसका मतलब है जो पॉइंट सी है वो नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में √2 तो आपने यहीं पे बना लिया था, ये वाला जो पॉइंट है ये भी √2 है, पर ये इसको आपको नंबर लाइन पे करना था, इसलिए आपने इसको नीचे की तरफ गिराया, जो कि नंबर लाइन पे कहाँ पे गिरा, सी पे। तो इसलिए पॉइंट सी जो है आपका वो रिप्रेजेंट करता है √2 को नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि भाई शुरू से एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कैसे वो किया हमने ये, कि भाई नंबर लाइन पे हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, √2 को। तो कैसे करते हैं भाई, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। उस पे जो फर्स्ट यूनिट 1 यूनिट होती है, 1 यूनिट पे 90 डिग्री का एंगल बना के उसमें से 1 यूनिट काट लेते हैं, 0 से मिलाते हैं और उसको नीचे की तरफ गिरा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, √2। तो ये √2 है, तो नीचे वाला भी क्या बन जाता है, √2। और इसको प्रूफ करने का तरीका ये है कि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी,
ओ ए बी वन में ओ ए जो है वन यूनिट है, ए बी जो है वन यूनिट है, ओ बी हमें निकालना है, ठीक है। तो ओ बी कितना होगा भाई, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। बेस यहाँ पे कितना है, बेस वन यूनिट है, परपेंडिकुलर कितना, वो भी वन यूनिट है, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन और वन, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टू। तो स्क्वायर को उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट। तो ओ बी की वैल्यू आ गई रूट टू, और जितना ओ बी है उतना ही ओ सी है, तो ये रूट टू है, तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट टू। खत्म। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो रूट टू समझ में आ गया, अब हम करेंगे रूट थ्री। तो अब हमें रूट थ्री को नंबर लाइन पर रूट रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो रूट थ्री को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक बार समझ लेते हैं। रूट थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हमें रूट टू पूरा बनाना ही पड़ता है, ठीक है। जितना हमने ये रूट टू बनाया ना वो बनाना ही पड़ता है। रूट थ्री बनाने के लिए पहले हमें रूट टू बनाना पड़ता है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारा ये पूरा प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम टू सेम रहता है, ठीक है। ये लिखने का जो पूरा है वो पूरा सेम टू सेम रहेगा, बस इनके कुछ डिजिट्स चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से मैंने इन डिजिट्स को मिटा दिए। आप देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम, मैं जो भी कराऊंगा हमेशा इसी तरीके से आपको कराऊंगा कि पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, ताकि आपको 10 तरह की चीज़ें, मतलब 10 तरह से ना करना पड़े, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। हर चीज़ आपको बिल्कुल सेम एक तरीके से मिलेगी, ताकि आपका आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन हो जाए। अब हमें रूट टू बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट थ्री बनाना, सॉरी। तो रूट थ्री बनाने के लिए पहले रूट टू बनाना पड़ेगा। रूट टू में भी आपको इसको नीचे नहीं गिराना है, आपको बस यहाँ तक खींच लेना है। जैसा कि मैंने बताया था कि बेस वन यूनिट, हाइट वन यूनिट यानी परपेंडिकुलर, और इसको जब आप मिलाएंगे तो ये वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में जब आ जाएगा तो ये रूट टू बन जाएगा। तो ओ बी आपका क्या बन गया, रूट टू। अभी फिलहाल आप इन नाम को भी मिटा दो, यहाँ से ओ इस ए को मिटा दो, यहाँ से इस बी को मिटा दो, ठीक है। इस बार हम जो ए लिखेंगे ना वो यहाँ पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस बार हम बेस जो है इसको नहीं मान रहे। अब इस बार हमारा बेस ये बनेगा, ठीक है। इस बार हमारा बेस ये नहीं ये बनेगा, इसलिए इसको ओ ए लिख देंगे, ताकि हमारा यहाँ पे सब कुछ सेम रहे, ठीक है। अब जो 90 डिग्री आपने यहाँ पे बनाया था ना, ये 90 डिग्री तो ये रूट टू बनाने के लिए बनाए, रूट थ्री बनाने के लिए अब इस पे आपको 90 डिग्री बनाना है। रूट थ्री बनाने के लिए इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री बनाना है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी जैसे आपने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया था वैसे यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाए, ठीक है। वैसे कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप यहाँ पे कंपस से ही बनाए, आप इसको डी से भी, डी के हेल्प से भी खींच सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। कंपस की जरूरी नहीं है, पर अगर कंपस से बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, कि आपके टीचर्स भी थोड़ा इससे इंप्रेस होते हैं कि हाँ भाई आपने इसमें कंपस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, वो थोड़ा इंक्लाइंड बनेगा क्योंकि इंक्लाइंड है, तो उस पर 90 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी कितना काट लेना है, वन यूनिट, जितना ये वन यूनिट था इसको भी कितना काट लेना है, वन यूनिट यहाँ पे रखना है और वन यूनिट काट लेना है। पहले आप नाप लो वन यूनिट और यहाँ से इसको काट लो वन यूनिट, ठीक है। और फिर से वही जीरो से मिला देना है, और जीरो से लेके यहाँ तक खोलना है, ठीक है, और इसको ऐसे गिरा देना है, जहाँ गिरेगा रूट थ्री, खत्म, ठीक है। इस बार आपकी ये जो पॉइंट है ये बन गया ए, ये बन गया बी और ये बन गया सी, ठीक है ना। तो रूट थ्री बनाने के लिए सिर्फ रूट टू के ऊपर एक यूनिट काट के फिर से खींचना है, तो रूट थ्री बन जाता है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अब हमने रूट थ्री बना तो लिया, अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो इस बार जो हमारा बेस है, अब हम बेस इसको नहीं मान रहे, इस बार हम बेस इसको मान रहे हैं, ठीक है। तो इस बार हमारा जो बेस है वो वन यूनिट नहीं है, वो रूट टू यूनिट है, यानी ओ ए। इस बार हमारे ओ ए की वैल्यू हो गई रूट टू यूनिट। हाइट जो है यानी ये वाला वो वन यूनिट ही है, ठीक है। और इस बार भी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ओ बी की, ठीक है। इस बार भी हमें ये नहीं पता है, इसको निकालना है। तो फिर से हमने क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये रूट टू का स्क्वायर और ये वन का स्क्वायर, ठीक है। रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, टू, और वन का स्क्वायर कितना होता है, वन।
तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और जब स्क्वायर को वहां भेजेंगे तो क्या बन जाएगा रूट, तो ओ भी कितना आ गया रूट 3। तो इसमें भी क्या है ओ सी बराबर है ओ बी के, तो जब ओ भी रूट 3 है तो ओ सी भी क्या हो जाएगा रूट 3। देयरफॉर पॉइंट सी रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब रूट 5 समझ लेते हैं। रूट 5 को करने के लिए रूट 5 को करने के लिए हमें पूरा मिटाना पड़ेगा। फिर से बना देता हूं, यहां पे मिटा देते हैं। तो देखेंगे रूट 5, अब हमें बनाना है रूट 5 ऑन नंबर लाइन। तो रूट 5 बनाने के लिए क्या करना है, फिर से वही माइनस 1 यूनिट 0 1 2 3, ठीक है। इस बार रूट 5 बनाने के लिए हमें जो बेस लेना है ना, हम अभी तक कितना बेस ले रहे थे 1 यूनिट, पर अब हमें जो बेस लेना है वो लेना है 2 यूनिट, ठीक है। अब हमें बेस कितना लेना है 2 यूनिट। रूट 5 बनाने के लिए आपको बेस जो है वो 2 यूनिट लेना है। तो जो 90 डिग्री आप पहले 1 पे बना रहे थे ना, वो 90 डिग्री अब आपको 2 पे बनाना है। तो ये 90 डिग्री बनाया, और जो हमें परपेंडिकुलर लेना है वो 1 यूनिट ही लेना है, ठीक है। ये नहीं कि इसको भी अब 2 यूनिट लेंगे, परपेंडिकुलर को हम लेंगे 1 यूनिट, बेस ले लेना है 2 यूनिट और परपेंडिकुलर लेना है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट के बराबर आपको कंपास से नाप लेना है और यहां से ऐसे काट देना है। तो जहां भी कटेगा जीरो से ऐसे मिला देना है, ठीक है, जीरो से ऐसे मिला देना है। तो ये मिल गया, तो ये आपका ए और ये आपका बी, और फिर से जीरो पे आप रखेंगे, वहां तक खोलेंगे और इसको नीचे की तरफ ऐसे गिरा देंगे। तो जब गिराएंगे तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी रूट 5। तो बिल्कुल सेम टू सेम रूट 2 की तरह है, जैसा रूट 2 आपने बनाया था वैसे ही आप रूट 5 बनाते हैं। बस रूट 2 के लिए आप 1 पे 90 डिग्री बना रहे थे, रूट 5 के लिए आप 2 पे 90 डिग्री बनाएंगे। तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो 2 पे 90 डिग्री बना के 1 यूनिट काट लेना है और 0 से मिला देना है, और 0 पे कंपास रख के वहां तक खोलना है, उसको नीचे गिरा देना है। तो बस ये बन गया आपका रूट 5। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे नीचे बेस कितना है 2 यूनिट, हाइट कितना, परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, और फिर से कि जो आपका OB है वो आपको फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। तो ये कैसे प्रूव होगा भाई, OB हमारा बेस कितना है 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 और 1 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 5, ठीक है। तो जब स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, तो ये आ गया रूट 5। तो यहाँ पे भी फिर से ओ सी बराबर है ओ बी के, तो ये भी कितना बन गया रूट 5, यहाँ भी क्या लिख देंगे रूट 5। तो बिल्कुल करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस आपके बस वैल्यूज हर बार चेंज हो जाएंगी और इसके बाद आप कोई सा भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं कोई सा भी आपको करवा रहा हूँ, सब में बिल्कुल सेम तरीका है, बस ये चेंज हो रहा है। अब ये चेंज कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अगर हमें कोई सी भी वैल्यू दी है तो हम यहाँ पे क्या लें, ये बेस कितना लें, हाइट, ये परपेंडिकुलर कितना लें, ये हर बार हम कैसे निकाल पा रहे हैं। तो इसको निकालने का तरीका यही है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हमेशा किसी भी रूट वाले नंबर को निकालने का तरीका आपके पास हमेशा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो आप किसी का भी ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने रूट 5, जैसे मैंने रूट 5 लिया, तो मुझे पता है मुझे इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा कि जिनके स्क्वायर्स को जोड़ने पे इस ये वैल्यू आ जाए। अगर मैं सिर्फ 5 ले लूँ, रूट को भी हटा दो, तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे ऐसे दो वैल्यू लेनी है जिनके स्क्वायर को जोड़ने पे ये आ जाता है। तो मैं मुझे पता है कि जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और 1 जो होता है वो 1 का स्क्वायर होता है, इनको मैं जोड़ दूंगा तो 5 आ जाएगा। तो ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर रूट, और 1 किसका होता है, 1 का। इसीलिए मैंने क्या लिया, बेस लिया 2 यूनिट और हाइट लिया 1 यूनिट। अब अगर आपको कोई सी भी वैल्यू दी जाए ना, ये तो रूट 5 तक हो गया,
मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रूट 8 सिखाऊंगा, रूट 10 सिखाऊंगा, रूट 13 सिखाऊंगा, रूट 17 सिखाऊंगा, ऐसे आप कोई सा भी रूट आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। बात करते हैं रूट 8 की। तो रूट 8, तो भाई इसको हम कैसे तोड़ें, कैसे कैसे बनाएं, अब इसके लिए मुझे क्या लेना चाहिए। तो देखो फिर से वही, 8 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनके स्क्वायर को जोड़ने पे 8 आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ 4 था तो मुझे पता है 4 और 4, 4 और 4 कितना होता है 8, यानी कि ये भी रूट 4 और ये भी रूट 4, यानी नीचे कितना 2, ये कितना हाइट, ये परपेंडिकुलर यानी बेस आपका 2 हो गया और हाइट भी आप परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 2। तो अगर आप बेस भी 2 ले लें, परपेंडिकुलर भी 2 ले लें, तो आपका क्या बन जाएगा, रूट 8, ठीक है। तो अब बताने की क्या जरूरत है क्या यहाँ पे कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, कि मेरे को इस बार क्या करना है, बेस भी कितना लेना है 2 यूनिट, हाइट भी कितनी लेनी है 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट अगर मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, मैं इसी को कर देता हूँ, इसको आपने बढ़ाया और इस बार आपने यहाँ पे 1 यूनिट की जगह कितना यूनिट काटा, 2 यूनिट, 1 यूनिट की जगह कितना यूनिट काटा, 2 यूनिट, और आपने इसको मिला दिया। इस बार ए बी ये रहा और इसी को नीचे जब गिराएंगे तो ये इस बार क्या कितना बनेगा, रूट 8। प्रूव करने के लिए ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, स्क्वायर वहां जाके बन जाएगा रूट, हो गया। तो इसके लिए कुछ नहीं है, हमें सिर्फ क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम कि किन दो नंबर को स्क्वायर को जोड़े कि वो आ जाए। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, हम इस रूट के अंदर कोई सी भी वैल्यू होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। रूट 10, अब रूट 10 के लिए आप सोचो कि कौन से दो नंबर है जिनको जिनके स्क्वायर को जोड़े तो 10 आ जाए। तो भाई हमें पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि 10 है तो आप रूट पांच कर देंगे कि 5 5 10 होता है, नहीं, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जो किसी के स्क्वायर बनते हैं, ठीक है। देखो रूट 2 रूट 3 रूट 5 के बाद हमेशा आपको ऐसी वैल्यू दी जाएगी जो किसी के स्क्वायर होते हैं, ठीक है, जो किसी दो नंबर के स्क्वायर से मिलकर बनते हैं। तो आपको 10 को भी ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जो किन्हीं नंबर के स्क्वायर से मिलकर बनते हैं। तो भाई 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी कि अगर आप बेस जो ले वो 3 यूनिट ले लें, बेस कितना ले लें 3 यूनिट और हाइट कितनी ले लें परपेंडिकुलर 1 यूनिट। तो अगर बेस 3 यूनिट लेंगे और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे तो उससे बनेगा रूट 10, ठीक है। अगर मुझे बनाना है रूट 13, अब ये भी सोचो कि कौन से दो नंबर है जिनको जोड़ने पे 13 आता है और वो किसी के स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पे 9 और 4, 9 और 4, ठीक है। तो बेस 3 यूनिट, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और हाइट भी, हाइट कितना लेना है 2 यूनिट, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो अगर आप बेस 3 यूनिट ले लें और परपेंडिकुलर 2 यूनिट ले लें तो उससे क्या बनेगा, रूट 13। बना के दिखा देता हूं मैं एक बार आपको ये भी, ठीक है। इस बार जो हम परपेंडिकुलर बनाएंगे किस पे बनाएंगे, 3 पे 90 डिग्री, ठीक है, 3 पे 90 डिग्री, और हाइट कितने ले रहे हैं हम 2 यूनिट, तो यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट नाप लेना आपको, ठीक है, और 0 से मिलाना है और कंपास को यहाँ पे रख के यहाँ तक खोलना है। इसको जब आप नीचे गिराएंगे, इस बार जो है आप थोड़ा इसको बड़ा कर लेना, 4 यूनिट तक ले लेना, ठीक है। इस बार ए आपका यहाँ पर है, बी आपका यहाँ पर है और इसको गिराएंगे तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया आपकी वैल्यू रूट 13, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको करना है रूट 17 कैसे आएगा भाई, बेस को ले लो 4 यूनिट, परपेंडिकुलर को ले लो 1 यूनिट, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये इसका आ गया 4 और ये आ गया 1, तो बेस 4 यूनिट, हाइट 1 यूनिट, रूट 17, कोई दिक्कत। रूट 18 निकालना, मान लो रूट 18 क्या निकालना हमें, रूट 18, इनको मिटा देता हूँ, रूट 18 के लिए क्या करें भाई, आपको पता है 9 और 9 18 होते हैं, यानी बेस भी कितना ले लो 3 यूनिट, हाइट भी कितनी ले लो 3 यूनिट, तो उससे क्या बन के आ जाएगा, रूट 18। तो आपको किसी भी कोई सा भी ऐसा नंबर दे दिया जाए तो आप इस पाइथागोरस थ्योरम से उसको दो पार्ट में तोड़ लो और आप उसको बना सकते हो, ठीक है। बहुत कम ऐसे चांस मिलते हैं जब दो ऐसे
रूट को ना तोड़ के मतलब नहीं बनते उससे, ठीक है। जैसे कब नहीं बनेगा, रूट सिक्स में। रूट सिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट सिक्स के लिए आपको रूट फाइव बनाना पड़ेगा। जैसे हमने रूट थ्री बनाया, हमने रूट थ्री कैसे बनाया, रूट थ्री के लिए हमने रूट टू बनाया और रूट टू पे 90 डिग्री बनाया, ठीक है। तो रूट सिक्स के लिए भी ऐसे करना पड़ेगा कि रूट फाइव पे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ऐसे रूट सेवन पे भी हमें ऐसे करना पड़ेगा। रूट सेवन के लिए हमें पहले क्या नाम है, रूट सिक्स बनाना पड़ेगा, और रूट फाइव, फिर रूट सिक्स, और उसके ऊपर एक और बनाना पड़ेगा, तब जाके रूट सेवन बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये होने लग जाता है, ठीक है। तो पर आपको ये सब जो है ये पेपर में बहुत रेयरली मिलते हैं कि रूट सिक्स दे दिया जाए या रूट सेवन दे दिया जाए। ज्यादातर आपको ऐसे आसान वाले दिए जाते हैं जिसमें आपको ये दो हिस्सों में टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। सब में करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस आपको इनको दो पार्ट में स्प्लिट करना आना चाहिए कि आप कैसे इनको स्प्लिट करते हैं। तो पेपर में आपके रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, इससे ऊपर नहीं आता है, फिर भी अगर आ जाए तो मैंने आपको सारा समझा दिए कि हम कैसे करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।